बुखारा एक जगह का नाम है जी, वहाँ एक लड़का था जिसे जिन और परी की तकलीफ हुआ करता था। जिन परी हर रोज़ शाम के वक्त जहाँ कहीं होता उसे दरख्त पर, जो उस लड़के के घर के सहन में अंगना में था, लाकर बिठा देते थे और खुद चले जाते थे। लड़के के वालदेन उसकी हफाजत के लिए उसे हुजरे में बंद करके ताला लगा दिया करते थे। लेकिन जब शाम होती तो लड़का दरख्त पर रहता था। जब आजीज और बहुत तंग आ गए लोग तो उसे शेख सैफुद्दीन बाखरी की खिदमत में ले गए। उस पर जिन परी का मामला था तो उसको हजरत शेख सैफुद्दीन बाखरी की खिदमत में ले गए। वो बुज़ुर्ग थे ही और हालत अर्ज की तो कहा कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है, देखिए इसके साथ। शेख साहब ने फरमाया कि उसका सर मुंडवा दो और टोपी पहना दो, ज़्यादा कुछ नहीं करो, सर मुंडा दो और टोपी पहना दो। फिर उस लड़के को फरमाया कि जब जिन परी फिर आए तो कहना कि मैं शेख का मुरीद हूँ। उस लड़का को खाली इतना बोले कि इसका सर मुड़ा दो और टोपी पहना दो, और जब जिन परी आवे उसको तंग करने के लिए तो कहे कि भाई मैं शेख का मुरीद हूँ, हो गया हूँ, देख लो सर मुंडवा लिया है और टोपी भी देख लो, दिखा देना। जब उस लड़के को घर लाया गया और जिन परी फिर आए तो उस लड़के ने वैसा ही किया, जिन परी आके घेर लेता था उसको जी, वैसा ही किया। लड़के ने कहा कि भाई देखो मैं मुरीद हो गया हूँ, मेरे सर पर यह टोपी है, मैंने सर मुड़वा लिया है, मैं शेख सैफुद्दीन बाखरी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हो गया हूँ। उन्होंने आपस में कहा कि कौन बदबख्त है, उन्होंने कहा मैंने जिन्नात लोग और परी लोगों ने कहा कि कौन बदबख्त से शेख साहब के पास ले गया है। अब कहा कि ये कौन है? इसको शेख साहब के पास काहे के लिए ले गया, कौन ले गया भाई? और बड़ा अफसोस हुआ उन लोगों को, और ये कह करके सब चला गया, फिर नहीं आया। कहा कि ये पीर साहब के पास इसको कौन लेके चला गया भाई? जब लेके चला गया तो ये तो उसका हो गया, मुरीद हो गया, तो उसके सिलसिले में दाखिल हो गया, उसको तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते। देव जितना जिन परी आते थे सबके सब चले गए। खाजा साहब जब इस बात पर पहुँचे तो आप दीदा हो गए निज़ामुद्दीन औलिया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मामलात होता है बुज़ुर्गों का, कि सिर्फ इतना कहना कि मैं मुरीद हो गया हूँ, दूसरे मखलूक भी समझता है कि मैं उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता हूँ, और जिन परी जो भी था सब साथ छोड़ दिया। ये बुज़ुर्गी में सलाहियत है। ये बुज़ुर्ग है हज़रत शेख सैफुद्दीन बाखरी रहमतुल्लाह अलैह। पीर ऐसा होना चाहिए, पीर ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आदमी कह दे कि मैं फलाने का मुरीद हूँ तो उसको जिन परी भूत ये सब भगाना नहीं पड़े, अपने भाग जाए। ऐसा होता था, बताइए ज़रा क्या मसला था।